मेरा वो एक बहुत प्यारा किस्सा है कि आप शेर हैं या हिरण हैं इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। शेर का मतलब है ऑलरेडी आपका परिवार सेटल है, हिरण का मतलब है परिवार को सेटल करना है। 20 साल में परिवार सेट हो जाता है, 20 साल में झोपड़ियां कोठू बदल जाती है, देखा बदलते हो मैंने। 20 साल पहले जहां झोपड़ियां थी जिनकी औलाद पढ़ी मां कोठियां आज, 20 साल पहले जिस घर में बसों किराया नहीं होता था उन घरों में मैंने आज कारें खड़ी हुई देखी है, मेहनत की, ईमानदारी की, किसी ने खैरात नहीं दी है। एक बहुत अजीब सा मेरा मैसेज है कि जब भी पिया पत्थरों को तोड़ के पानी पिया, बूंद पर एहसान समुद्र काम पे नहीं है। मसरूट करता हूं मेरे ग्रामीण प्रतिभाओं को जो अपने बलबूते अपने दम पे झोपड़ी में बैठी खोपड़ियां, आज कोई IAS है, कोई IPS है, कोई डॉक्टर है, कोई IIT है, कोई NIT है, कोई बैंक मैनेजर है, जहां है उनकी पहचान है, जहां है उनका मुकाम है। तो आप हिरण है या शेर है कोई फर्क नहीं पड़ता। हिरण का मतलब सटल परिवार से है, शेर का मतलब सटल परिवार से है, हिरण का मतलब अपने परिवार को सटल करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। जस्ट वेट करना 20 साल का। मैं एग्जांपल कोट करना चाहूंगा, यहां नागौर के नावा के पास बीजापुर गांव है जहां के एक बाजिया परिवार है, 3 भाई डॉक्टर हैं। आज के 20 साल ठीक 20 साल पहले 98-99 में ईश्वर बाजिया मेरे पास तैयारी करने आया था, बिल्कुल एक सामान्य किसान का बेटा था जिस किसान के पास शायद खेती के अलावा जीवन उपार्जन का कोई साधन नहीं था। आज उनका एक डीडवाना में बाजिया हॉस्पिटल के नाम पे शानदार हॉस्पिटल है। केवल 20 साल हो गए, देख लो 22 साल में एक किसान हॉस्पिटल का मालिक बन गया, केवल 20 साल। इसलिए तो मैं जो कहना चाहता हूं, आप हिरण या शेर क्या फर्क पड़ता है। हिरण सुबह जंगल उठता है, उठते हिरण ये सोचता है कि मैं तेज ना दौड़ूंगा तो मुझे शेर खा जाएगा, और एक शेर सुबह जंगल में उठता है वो सोचता है कि मैं आज तेज ना दौड़ूंगा तो मुझे शिकार हाथ नहीं आएगा। ओ लड़के, हिरण हो या शेर हो, दौड़ना सबको पड़ता है। हिरण दौड़ता है जान बचाने के लिए, शेर दौड़ता है शिकार करने के लिए। बड़े परिवार की औलाद हो तो परिवार की इज्जत को बचाने के लिए ज्यादा सेंसिटिविटी से काम करना होगा, और मेरे जैसे सामान्य अध्यापक के बेटे हो तो अपने परिवार को इन कमरों को कोठियों में चेंज करना है, इन झोपड़ियों को कोठियों में चेंज करना है, ये गांव की बसों की किराए में बैठने वाले मां बाप को कार में सफर कराना है, ये पीछे बैठी मां जो सामान्य से वेशभूषा में है इसको 15-10 साल बाद बहुत अच्छे से ऑर्नामेंट गहने और बहुत अच्छे से जो घर में रखना है ना, सपना नहीं है क्या, इसलिए पढ़ना है। बाकी तो पता ही नहीं चलता पढ़ना क्यों है। अरे NCERT गोली मार, ये NCERT नहीं है, ये नीट और IIT का सिलेक्शन नहीं है। जब एक फिजिक्स की निकाले प्रॉब्लम तो सोच कि एक प्रॉब्लम निकालने से मेरे घर के अंदर एक खुशी आएगी। यदि मेरा सिलेक्शन मेडिकल में होता, IIT में होता, मेरे घर में खुशी आ रही है। माफी चाहता हूं, आज एक सीक्रेट आउट कर रहा हूं, ये श्रवण के सपने हुआ करते थे मैं जब पढ़ता था। ये तो देखो आपको मानना पड़ेगा, आप चाहे मेरे विचार सहमत हो ना हो, कि श्रवण एक सामान्य सोच का व्यक्ति होता तो 96 में सीकर में कोचिंग खोलना सुसाइडल केस था एक, पर मैंने कुछ नहीं करेंगे। दोस्तों जब आप दो क्वेश्चन निकाल रहे हो, आप यदि एक रात एक्स्ट्रा एक घंटा जगह मेहनत कर रहे हो तो मान के चलो तुम अपने एक अच्छे आलीशान लग्जरी घर की तरफ एक कदम बढ़ा रहे हो। देख भाई, ज्ञान कोई दे सकता है, लेकिन आप किसी फंक्शन में जाओ, हर आदमी का सपना होता है 10 लोग मेरे पहचानने वाले हो, मेरा ड्रेस कोड बहुत ठीक हो, मेरे 10 लोगों में इज्जत हो, घर में मेरा फंक्शन होगा। एक बताऊं, ये पीछे पिता बैठे हैं ना, ये मां बैठी, दादा दादी बैठे हैं, इनसे पूछना चाहिए। आज हो सकता है जिस परिवार में बहुत बिल्कुल ग्रामीण आदमी हो पृष्ठभूमि का, ये गांव की खोपड़ियां खतरनाक बहुत होती हैं। अब्दुल कलाम साहब किसी कोठी में पैदा नहीं हुए थे, नरेंद्र मोदी किसी कोठी में पैदा नहीं हुए, हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब भी किसी कोठी में पैदा नहीं हुए हैं, सामान्य परिवार के व्यक्ति हैं। हमारे गोविंद डोटासरा भी किसी कोठी में पैदा नहीं हुए, एक अध्यापक के बेटे हैं। तो डियर, आपके पीछे जो बुजुर्ग बैठे हैं, पिता माता बैठे हैं, इनको यदि आज देखो, आज घर में आपके कोई शादी फंक्शन होता है, यदि आपके पिता सामान्य जॉब में है या जॉब में नहीं है तो देख लो चाहिए, पूछ लो इनसे। जब घर में शादी फंक्शन होता है तो इनको इतना वेटेज इनके भाई नहीं देते होंगे, गांव के लोग नहीं देते होंगे। नालायक, इतनी मेहनत करके 15 साल बाद तेरे गांव के हर फैसले में तेरे को पिता को पहले बुलाया जाए, क्या किसी डॉक्टर का बाप है, किसी IIT का बाप है, या IAS का बाप है, IPS का बाप है। यह है पढ़ाई, इसलिए पढ़ना तेरे को, काहे की टेंशन यार, काहे की टेंशन।
मैं क्या करते हो बे, कुछ नहीं।